एपिसोड स्टार्ट में किंग ऑफ इल्यूजन और हमारे ईगो को दिखाया जाता है। जो ईगो होता है वो किंग ऑफ इल्यूजन पे वो अटैक कर देता है और किंग ऑफ इल्यूजन भी अपने सामने से पाम अटैक करते हैं। वो फुल स्पीड में अपना जो पाम अटैक होता है वो किंग ऑफ इल्यूजन के ऊपर है वो मार देता है। पर जो किंग ऑफ इल्यूजन होते हैं वो अपना अटैक है वो उस पर दोहरा देते हैं और उसके ऊपर पाम अटैक कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि बच्चे तू क्या समझता है कि तू मुझे इतनी इजीली वो हरा देगा और मैं तुझे ये मौका भी वो दे दूंगा आसानी से। यून और यो होती है वो ईगो के लिए चिंता करने लगते हैं बिकॉज किंग ऑफ इल्यूजन की पावर भी नेक्स्ट लेवल पे होती है। ईगो है उनके पावर के इम्पैक्ट को है वो नहीं झेल पाता और पेड़ से जाके वो टकरा जाता है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी है जो आपको आगे चल के पता चली जाएगा। किंग ऑफ इल्यूजन है वो हंसते हंसते बोलता है कि देखो एक मार्शल मास्टर का पंच है वो झेलने के बाद कोई बंदा है वो शायद ही उठ पाए, अगर वो उठ भी जाता है तो उसके लिए एक दुख खबर होगी कि जो वो सुनना नहीं चाहेगा कभी। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें वो सर्वाइव कर गए तो तुम अपना कल्टीवेशन बेस है वो खोदोगे, उसके बाद तुम कभी कल्टीवेट है वो नहीं कर पाओगे। ईगो है वो बोलने लगता है उसके, अच्छा तो तुम एकदम श्योर हो ना कि जो तुम बोल रहे हो वैसा ही है वो मेरे साथ होने वाला, अगर नहीं हुआ तो भैया पछताओगे तुम बहुत। जो किंग ऑफ इल्यूजन को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है बिकॉज वो सोच रहे होते हैं कि मेरा मार्शल मास्टर के पंच के बाद वो आखिर बंदा उठ कैसे खड़ा हुआ। वो किंग ऑफ इल्यूजन से वो बोलता है कि देखो तुम्हारी पावर से वो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अच्छा इसे वो मार्शल मास्टर की जो पावर कहते हैं जो तुमने मुझ पर यूज कर दी, तुमने यून के डैड की बॉडी में आज तक सिर्फ यही कुछ है वो सीख पाया है क्या? मुझे नहीं लगता। वो अपने मन में रोते हुए बोलता है कि इस आर्मर को लेने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत है वो करनी पड़ी थी, बट इस बंदे ने तो ये अपने एक ही ब्लो से मेरा पूरा आर्मर ही है वो तोड़ दिया, मैं क्या करूँ। गो के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद किंग ऑफ इल्यूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलते है सारे तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे ऐसा सब बोलने की हिम्मत की, अब मैं तुझे वो मार दूंगा। गो को है वो लगता है कि चलो हमारे प्लान के हिसाब से वो सारा काम चल रहा है, फिर वो मतलब यून को है वो बोलता है कि यान चंद जल्दी से अपना काम है वो शुरू कर दो। यून है वो गो की बात को एकदम अच्छे से समझ जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम जैसा बोल रहे हम करते हैं। फिर यून है वो आसमान में एक ब्लास्ट है वो करवा देती है या फिर कहीं एक सिग्नल है वो दे देती है। धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग है वो प्रकट होने लगते हैं और वहाँ पे घूर घूर के उन सबको वो देखने लगते हैं। इल्यूजन उन बंदों को देखता है और हंसता है, वो बोलता है कि अरे यार तुमने अपनी मदद के लिए इन चूहों को भी बुला लिया, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे हरा भी पाएंगे। और वो ईगल स्क्वाड होती है वो अपने वो कुछ मैजिक है वो यूज करने लगते हैं, उसके आजू बाजू में कोई घेरा है वो बना देती है और उसे देख के वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि चलो जो कर रहे हो तुम करते रहो मुझे कोई फर्क है वो वैसे भी नहीं पड़ने वाला। फिर किंग ऑफ इल्यूजन है वो बोलते हैं कि एक मार्शल मास्टर जैसा बंदा है वो मुझे नहीं हरा पाया और तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटे मोटी गैंग को लेके आओगे, मतलब एक ईगल स्क्वाड को लेके आओगे और तुम मुझे खत्म करने की कोशिश करोगे। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग मुझे हरा ही पाएंगे, लगता है आज तुम्हारा गंदा वाला मजाक है वो होने वाला है, अब देखो तुम्हें यहाँ से वो हार ही मिलेगी। अब यो होती है वो किंग ऑफ इल्यूजन से सीधे सीधे उसका सवाल है वो पूछ लेती है, वो बोलती है कि हमारी फैमिली और तुम्हारे बीच में वो कोई भी दुश्मनी है वो नहीं थी, बट तुमने हमारी फैमिली के साथ है वो ऐसा बुरा सलूक है वो कैसे किया। किंग ऑफ इल्यूजन है वो बोलता है कि तुम्हारे फादर को वो लेडीज का ख्याल रखना है वो बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब वो अपने काम के चलते वो तुम्हारी मॉम को वो यहीं पे वो छोड़ के चले जाते थे, वो यहाँ पे अकेला फील है वो करती थी, अपनी पॉलिटिक्स है वो ज्यादा प्यारी थी। फिर वो बोलता है कि इसी वजह से वो मैं यहाँ पे आता था और कुछ मजे करके वो यहाँ से चला जाता, ये जगह है वो मेरे से मजे करने की जगह है वो बन चुकी थी पिछले टाइम में। फिर यून के डैड है वो बोलते कि कुछ समय पहले ही उस यून की माम को मेरे सीक्रेट के बारे में वो सब कुछ है वो पता चल चुका था, वो मेरे सीक्रेट को है वो तुम लोगों के सामने वो लाना चाहती थी, इस वजह से यार मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा कि वो तुम्हारे सामने ये राज ला दे, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया मार दिया। विलेजन है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे फादर की एक्टिंग कर करके वो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे बारे में भी सोचने का मुझे वक्त आ गया। वो बोलता है कि अब तुम्हारी माम के बनने के बाद तुम दोनों तो हो ही मेरे साथ, मैं जो चाहे वो करूंगा, मेरी मजे की जिंदगी बीतेगी। योय को इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं साले तेरी हिम्मत कैसे ये सब कहने की। ईगो है वो बोलता है कि फिलहाल तुम हट जाओ मैं ये सब संभालूंगा। इल्यूजन है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझे हराओ कि मतलब मैंने तो तुम्हारी शील्ड को वो सिर्फ अपने एक ही झटके में वो तोड़ दिया, अब तुम सोचते हो कि तुम उससे दोबारा बच जाओगे तो ये गलती है तुम्हारी, तुम्हारी ये पावरफुल शील्ड वो टूट चुकी है। इल्यूजन जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसको वो कुछ होता है और वो उसी जगह पे वो रुक जाता है और बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। इल्यूजन है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ है ये सब करने की और आखिर तुमने ये सब वो किया कैसे। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि मतलब ईगल स्क्वाड है वो तुम्हारा घंटा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, तो मुझे कुछ और भी सोचना पड़ा। इल्यूजन है वो अपनी छाती पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर ये चीज है क्या, ये मेरी की पावर को एकदम अब्सॉर्ब कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक मैं टिक भी पाऊंगा। किंग ऑफ इल्यूजन है वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा हार्ट है वो एकदम बहुत ज्यादा तेजी से बीट कर रहा है, मेरी छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसे लगता है कि मैं जल रहा हूँ बहुत तेजी से। वो बोलता है कि तुम तो यही डिजर्व करते हो, तुम्हें क्या लगता है कई लोगों को मारने के बाद तुम्हें एक अच्छी सी लाइफ हो और अच्छी सी मौत है वो मिलेगी, नहीं यार तुम्हें तड़प तड़प के ही मरना था तो मैं आज तुम्हें ऐसे ही मारूंगा अच्छे से। किंग ऑफ इल्यूजन है वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और
मैं तुम्हारी उनके बदला लेने में मदद करूंगा। वो बोल रहा है अगर तुम मुझे मार दो तो अपने एनिमी की है वो मदद करते हो, क्योंकि जो यिन फैमिली है वो तुम्हारे मतलब फादर के डेथ में वो शामिल है। यिगो है वो बोलता है कि मैं तो तुमसे ज्यादा ही जानता हूँ कि आखिर मेरे फादर की डेथ है वो कैसे हुई। मैं पूरी फाइव फैमिलीज के बारे में, थर्ड प्रिंस के बारे में एकदम सब कुछ अच्छे से अच्छा जानता हूँ। वो बोलता है कि अब तुम्हें सुन सुन के वो मेरे कान दुखने लगे। अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें वो यहीं पे खत्म कर दूं और यहाँ से वो चलता बनूं तुम्हारे लिए। फेल्यूजन की छाती से वो बहुत ज्यादा लाइट है वो निकलने लगती है, कहें वो एक्सप्लोड होने लगता है और बाकी भी उसकी सहायता करते हुए उसे एक्सप्लोड होने में वो मदद करते हैं और अपनी इक्की की एनर्जी उसके अंदर देते हैं। कहें तो उसकी की पावर है वो ओवरलोड हो जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। यिगो है अपनी दोनों पार्टनर को है वो बचाता है, वो बोलता है कि फिलहाल के लिए मरने वाला है। यिगो है वो बोलता है कि अच्छा ये ईगल स्क्वाड है वो अपनी शील्ड है वो इस्तेमाल कर रही है, वरना यहाँ के आजू बाजू के क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो हानि हो सकती थी। तभी ईगल स्क्वाड का एक बंदा होता है वो यिगो को वहाँ पे बुलाता है और बोलता है कि सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक बॉडी पड़ी होती है और वो बोलते है कि ये देखो यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। वो बोलता है कि इनकी बॉडी को देख के ऐसा लगता है ये कई सालों से वो मरे हैं और वहाँ पे उनकी बॉडी पे एक स्कार बना होता है यानी एक निशान होता है जिसे देख के यून है वो बोलती है मेरे फादर हैं। बोलते है कि बचपन में बीमार पड़ गई थी तो मेरे फादर वो मेरे लिए जड़ी बूटी या फिर कहीं मेडिसिन से वो लेने गए थे तब उनके पास ये निशान पड़ गया था। यून और यो होती है वो एक जगह पे बैठ जाती है और रोने लगती है अपने फादर का नाम लेते हुए। वो बोलता है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो अगर तुम्हारे डैड गए हैं तो मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। यिगो है वो एक कमरे के बाहर दिखाया जाता है। यिगो अपने मन में वो बोलता है इस बड़े से एक्सीडेंट के बाद अब मुझे वो यून से वो मिलना चाहिए, मुझे देखना होगा कि यून है वो अभी क्या फील कर रही है और वो कैसा है वो चीजें कर रही है। वो यून के कमरे का है वो गेट खटखटाता है और बोलता है कि यून देखो मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी होने की खबर लाया हूं। यून ने वो कमरा खोल दिए तो वो तो बवाल लग रही होती है। यिगो भी है वो अपनी वाणी को नहीं रोक पाता, वो बोलता है अरे यार तुम तो गजब लग रही हो यार। यून भी है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि बाहर वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से वो अंदर आ जाओ। वो एकदम शॉक हो गया होता है कि उसकी फादर की डेथ के बाद यून ने वो इतना ज्यादा अजीब बिहेव वो क्यों कर रही है, उसके दिमाग में वो कुछ भी है वो नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे वो चल क्या रहा है, आखिर जो यून है और यो है वो कर क्या रही है। होती है वो बोलते है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मतलब हमारे पास आने से ऐसे बात करने से, अगर तुम हमारे साथ बैठ के दो घड़ी बातें कर लोगे तो इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा यार। वो बोलता है कि नहीं यार तुम मेरी बात को एकदम गलत वे में वो ले जा रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम दोनों से वो बात नहीं करना चाहता, बट मेरा मतलब था कि तुम दोनों एक साथ। तभी जो यो होती है वो यिगो का जो शर्ट है वो पकड़ लेती है और बोलते है कि यार चुप हो जाओ यार, जल्दी से जल्दी है वो चुप हो जाओ और यहाँ पे आके मेरे साथ में वो बैठ जाओ। और यिगो को मतलब खींच के अपने साथ में वो बिठा लेती है। यिगो ठहरा संत आदमी यार, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है आखिर यहाँ पे वो मामला चल क्या रहा है। जो यून भी है वो उनकी टीम में शामिल हो जाती है और कड़ी काम है वो करने लगती है। यून ने वो यिगो से बोल दी कि फिलहाल के लिए किसी और बात के बारे में वो बिल्कुल भी मत सोचो, जो हम कर रहे हैं करने दो। वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों के वो भूख लगी होगी, खाना है वो रेडी हो चुका है, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम चल सकते हो, वैसे ही मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आया था, तो जल्दी से वो मेरे साथ है वो, चलो हम दोनों मिलकर डिनर करेंगे। यिगो अपने मन में वो बोलता है कि ये दोनों है वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, शायद ऐसा हो सकता है कि अब ये दोनों बहुत ज्यादा अकेली पड़ गए बिकॉज इनके सर से इनके माँ बाप का साया है वो हट चुका है, इसलिए वो थोड़ी कंपनी चाहती है, इसलिए मेरी थोड़ी कंपनी मांग रही है। और यो होती है वो बोलती है कि बेशक यार हमें बहुत ज्यादा भूख लगी और आज हम डिनर में तुम्हें खाने वाले हैं। वो बावला हो जाता है और बोलता है कि नहीं यार मैं जो सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट यार वही होके रहेगा। यून है वो बोल दी कि मैं बियोन और यहाँ की अब प्रिंसेस यहाँ कहीं यून फैमिली की लीडर है वो बन चुकी है, अब मेरे फादर और मदर की है वो डेथ हो चुकी है। बोल दे कि अगर मुझे मेरी फैमिली को है वो रिवाइव करना है तो ये सब तो है वो करना ही पड़ेगा। फिर यून है वो बोलते कि देखो मैं तुमसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ वो छोड़ छाड़ के वो तुम्हारे साथ है वो चलने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो यो होती है वो भी अपने मन में वो बोलती कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम वो मुझे छोड़ के वो यहाँ से बिल्कुल भी जाओ, जो भी हो मुझे यून के साथ तो यहीं पे वो रहना पड़ेगा बिकॉज अब हम दोनों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ चुकी है, यून के साथ है वो यहीं पे रहने वाली हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत हो अगर तुमने मुझे भुला कर किसी और लड़की के चक्कर में पड़े तो भैया वहीं पर टक्के खोद दिया जाएगा, समझ रहे हो भैया आप। क्या जो कार्यक्रम होना होता है वो तो शुरू हो ही जाता है जो आप और मैं दोनों इंतजार करते हैं, बट आज तो यिगो भैया है वो सारी सारी रात है वो सोने नहीं वाले हैं और ना ही हमारी यून और यो है उन्हें सोने देने वाली है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं वरना ये तो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं यिगो को है वो हमारी यून और यो है एक गाड़ी में बिठा के वहां से भिजवा देती है और यून मतलब जो हमारी यो होती है वो अपने बहन से वो बोली क्या तुमने यिगो पे इतने जल्दी गिव अप कर दिया। यून है वो बोलती है कि मजाक मत करो यार कुछ भी। यून होती है वो बोलती है कि हम कभी भी अपने सेल्फ डिसीजन के अपने कदम है वो नहीं उठा सकते, तुम्हें पता होगा कि हमारी फैमिली ने हमें 10 साल तक वो अच्छे से वो पाला है, उसके बाद हम स्कूल में गए या फिर कहीं ट्रेनिंग ली इसकी वजह से हम बाहर थे, अब हमें यून फैमिली का कर्ज है वो चुकाना है तो हमें यून फैमिली को वापस से वो खड़ा करना होगा, इसके लिए हम यिगो से मिलना कम करेंगे बस उस जैसे शख्स को हम कभी नहीं भूल सकते। फिर यून है वो एकदम से अचानक से वो रोने लगती है जिसका कोई रीजन नहीं बनता है बट बहुत बड़ा रीजन है। यून और यो है वो बोल देंगे तुम चिंता मत करना हम तो हमेशा तुम्हारी साइड में ही रहेंगे अगर तुम कहीं भी हो। सीन में यिगो है वो अपनी नींद से उठता है और वो अपने आप को एक अनजान जगह में पाता है और वो बोलता है एक मिनट आखिर में ये कौन सी जगह हूँ। वो बोलता है कि लास्ट नाइट तो मैं यून के कमरे में सोया था और मैं आखिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ।
वो है वो गाड़ी से बाहर जाता है और बोलता है कि अरे भाई यार यहाँ में है वो कहाँ पे जा रहे हैं और ये मतलब जियान चैन है वो कहाँ पे। तो बोलता है कि अच्छा मिस्टर ली आप उठ गए, मतलब मैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था, आप अभी उठे। तो जो बंदा होता है वो बोलता है कि देखो हमसे यून ने कहा था कि हम तुम्हें वो यहाँ पे वो छोड़ के आए, मतलब डैंगलिंग सिटी में वो छोड़ने के लिए जाए, और उन्होंने हाँ वो तुम्हारे लिए एक लेटर भी है वो छोड़ के रखा, मतलब लेटर है वो छोड़ के रखा है। फिर वो बोलता है कि देखो तुम जहाँ पे बैठे थे ना वहीं पे अब आजू बाजू में एक बॉक्स पड़ा होगा, तो वहाँ पे जाके देख लो तुम्हारा लेटर है वो यहीं कहीं है वो पड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत धक्का मुक्की हो रही है। जैसे लेटर खोलता है उसमें लिखा होता है कि यूगो मुझे माफ करना, ने वो लेटर में लिखा होता है कि यूगो हमें माफ करना है, हम अपना प्रॉमिस है वो नहीं निभा पाए, अब हमें वो मार्शल आर्ट एकेडमी में नहीं मिलने वाले, तो मैं वो यहाँ से पहले चले जाओ, हमें वो शायद बाद में आए या फिर ना भी आए, हमें यहाँ पे पहले बिजनेस है वो बहुत ज्यादा खत्म करने होंगे, जैसे बिजनेस खत्म हो जाएगा शायद हम मिलेंगे, शायद हमें सीधा है वो ड्रैगन सिटी में वो मिलने वाले हैं। तो अपने मन में वो बोलता है कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि वो कैसा फील कर रही है, वो अपनी फैमिली को फिर से टॉप पे लाना चाहती है। वो अपने मन में वो बोलता है कि चिंता मत करो यून यार, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी साइड में वो खड़ा हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स जो डिजास्टर रोकने के लिए यूगो इस दुनिया में आया है वो रोकने के बाद वो फिर से तुम्हारे पास आएगा। अपने ड्राइवर से वो बोलता है कि भाई यार अभी तुम्हें वो टैंगलिंग सिटी एक मैसेज भेज दो कि मैं अपनी वाइफ से वो मिलना चाहता हूँ कहीं पे। तो वो बोलता है कि हम टैंगलिंग सिटी है वो नहीं जा रहे भैया। यूगो बोलता है कि हाँ यार तुमने एकदम सही सुना, हमें वो टैंगलिंग सिटी है वो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एकदम ड्रैगन सिटी के अंदर। तो वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी डिजास्टर को रोकने का वक्त है वो आ चुका है, इसी के बाद है वो इस एपिसोड को अंत कर दिया जाता है। बाय, गुड बाय, सनारा बाय।